होगी करनी होगी। आज लगातार 11वें दिन आप लोग यहाँ पर बैठी हुई हैं, क्या सरकार की मंशा ही नहीं है? क्या सोच रही हैं आप लोग इस बारे में? क्यों बैठी हैं यहाँ पर? आप लोग को देखने वाला भी यहाँ पर कोई नहीं है, क्यों बैठी हैं आप लोग यहाँ पर? आज हमारे हड़ताल का 11वां दिन चल रहा है। झारखंड सरकार अंधी है या बहरी है कि गूंगी है, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्योंकि आज हम एक महिला होके, एक महिला कर्मचारी होके, इस झारखंड की बहु बेटियां होके आज हम लोग रात में सोने के लिए राजभवन के प्रांगण में विवश हैं। और एक महिला राज्यपाल होते हुए भी आज एक महिला की सुध लेने वाला यहाँ इस झारखंड में कोई नहीं है। और ये सरकार हमें हमारे नियमितीकरण की ओर आगे बढ़ाने छोड़ के हमें पीछे ढकेलने का काम कर रही है। हमारे स्वास्थ्य सचिव महोदय जी ना तो कोई सुध लेने के लिए तैयार है, ना ही कोई बात सुनने को तैयार होते हैं। विभाग कितनी भी हमारा कैबिनेट हुए, 6 दिसंबर में हमारा कैबिनेट हुआ है, हमारी नियुक्ति नियमावली बन चुकी है, हमारे विभाग इतना शून्य है, हमारा विभाग कोई कार्य ही नहीं करता है, हमारा विभाग किसी तरह का इसके प्रति संवेदनशील है ही नहीं कि NM को नौकरी दिया जाए। इस जो एक महिला दूर दराज गांव में जाके अपना सेवा देती है, अपने बाल बच्चों को, अपने परिवार को छोड़कर झारखंड को स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना ऊपर तक लेके आई है, लेकिन झारखंड सरकार को इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं है। इस महिला जो एक रोड पे बैठी हुई है, एक छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठे हैं हम लोग, इस स्थिति को सरकार की मंशा ही नहीं है। हमें तो लगता है कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि सरकार स्वास्थ्य विभाग में किसी तरह की नियुक्ति करना चाहती हो। NM जो हमारे स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ मानी जाती है, उस NM का आज इस तरह का शोषण स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जा रहा है, झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जा रहा है, उसकी विडंबना आप देख सकते हैं। इस राजभवन प्रांगण में सैकड़ों के संख्या में जो महिलाएं बैठी हुई हैं, ये इसका उदाहरण है। और मैं यही कहूंगी झारखंड सरकार से कि किसी तरह हमारी सुध ले। गांव घर की बेटियां हैं हम लोग, इस तरह हमें भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम मजबूर हैं आज रोड पर आने के लिए। और हमारी स्थिति ऐसी दयनीय हो गई है कि इतने अल्प वेतनमान पे हम ना अपने बच्चों का भरण पोषण ठीक से कर सकते हैं, ना उन्हें पोषित कर सकते हैं। सरकार एक तरफ कुपोषण बचाने के लिए बेटी बचाओ और विभिन्न तरह के अभियानों को अंजाम देती है, किसकी बदौलत? हमारी बदौलत। लेकिन आज हमारा ही सुध लेने वाला कोई नहीं है। इस सरकार कभी चाहती ही नहीं है कि हमारी नियुक्ति नियमावली आगे बढ़े। अभी भी हमारे विभाग में इतनी कार्रवाइयाँ बाकी हैं हमारे नियुक्ति को प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, वो प्रगति एकदम शून्य नजर आ रहा है। हमारे नियुक्ति नियमावली बने हुए 6 माह हो चुके हैं, लेकिन इस 6 माह के दौरान विभाग को विभिन्न तरह की बातें भेजी गई हैं, हर तरह की प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन इस प्रक्रिया के प्रति विभाग के लोग और विभाग में जितने कार्यरत कर्मचारी हैं वो लोग किसी तरह की CA सिविल सर्जन तक भी हमारी बात को कोई सुनने को तैयार नहीं। हमारा रोस्टर में जो भी संगति है उसे भी सुधारने के लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और ऐसी स्थिति में हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जब तक हमारी रोस्टर की भी संगति को दूर करके और हमारी अधियाचना की फाइल को JSSC यानी कर्मचारी चयन आयोग को जब तक नहीं भेजी जाती है, तब तक हमारी इस महिला कर्मचारी और जितने भी हमारे झारखंड की NM हैं और GNM संघ की तरफ से मैं यही बताना चाहती हूँ कि हम लोग का हड़ताल अनिश्चितकालीन धरने जारी है और जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। धन्यवाद धन्यवाद। मैं रानी वाला झारखंड से।